गोवर्धन से पहली खबर, जहां मुस्लिम समुदाय ने ईद मिलादुल नबी का त्यौहार पूरे धूमधाम से मनाया। ईद मिलादुल नबी इस्लाम के प्रमुख त्योहारों में से एक है। पूरे देश में मुस्लिम समुदाय के लोग इस दिन को काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि मानवता को सच्चाई और धर्म का संदेश देने वाले पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म और देहांत एक ही दिन एक ही तारीख को हुआ। इस दिन पूरे देश में खुशी और गम एक साथ मनाया जाता है। हर घर में हलवा पूरी मिठाइयाँ बनाई जाती है और गरीबों में बांटी जाती है। मौलवी नेक मोहम्मद ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। इसी उसमें पैदा हुए थे, इसी में वफात पाए थे, इसी से दुनिया से गए थे। तो क्या क्या प्रोग्राम होते हैं आज के दिन? इसमें जो है प्रोग्राम होता है कुछ हलवा पूरी, जो कुछ अपने घर में मेसर हो वो चीज़ें बना देते हैं, बच्चों को खिला देते हैं, गरीबों को खिला देते हैं, और मिठाई वगैरह जो जैसी भी जाती जिस जैसे देश के बारे में खूब बढ़िया है। हमारा देश खूब अच्छा देश है, खूब बढ़िया है, बात सब मानते हैं, सभी बात विचार है, सम्मान रखते हैं। इंतकाल इसी 12 तारीख में इंतकाल हुआ था उनका। आज ही के दिन मोहम्मद साहब पैदा हुए थे, आज ही के दिन इंतकाल हुआ था। जहां एक तरफ मुस्लिम समुदाय द्वारा ईद मिलादुल नबी का जश्न पूरे धूमधाम के साथ मनाया गया, वहीं दूसरी तरफ वाल्मीकि जयंती के दिन मनोरम झांकियां निकली। ये झांकियां हरिजन मोहल्ले से दान घाटी, बड़ा बाजार, हाथी दरवाजा, दास बिशा होते हुए निकली। झांकियों को बैंड बाजों के साथ बड़ी धूमधाम से निकाला गया और इनका जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। गोवर्धन में एक साथ एक ही दिन में मनाए गए ये दोनों ही खास त्यौहार हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एकता का संदेश दे रहे हैं। ये थी गोवर्धन से हमारे संवाददाता यशकांत पाठक की रिपोर्ट। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टुडे जुनून।